ये तकलीफें, परेशानियां, प्रॉब्लम्स, कठिनाई, रुकावटें, ये सबकी लाइफ में होते हैं यार। इनका सॉल्यूशन कभी ये नहीं होता कि आप इनसे बचो, इनसे भागो। आप कहां तक भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते। और इनका हल, इनका सॉल्यूशन कभी भी कोई गलत कदम नहीं हो सकता। आप अपने आप को लेकर बैठिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि इस प्रॉब्लम से, इस परेशानी से मैं बाहर कैसे आऊं, तो आपको जरूर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और ये बात भी याद रखिए कि ये तकलीफें जिंदगी में आना, लाइफ में आना, पार्ट्स ऑफ लाइफ है, और इनसे मुस्कुराकर बाहर आ जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। ये जो आई हैं तकलीफें, ये आपको कुछ सिखाने आई हैं, तो आप इनसे सीखिए। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 2020 में पूछा गया एक बेहतरीन न्यूमेरिकल को सोल्व करने वाले हैं। न्यूमेरिकल हमारा कुछ इस तरह से है, तो चलिए फिर कॉपी पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज का अपना ये प्यारा सा न्यूमेरिकल। चलिए, हमारा न्यूमेरिकल है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया। एथेनोइक अम्ल की सांद्रता, पहला पार्ट पूछा पार्ट्स प्रति मिलियन, दूसरे पार्ट में मोल अंश, तीसरे पार्ट में द्रव्यमान प्रतिशतता, चौथे पार्ट में मोललता की गणना कीजिए। और 2020 में पूछा गया था और 5 नंबर में ये न्यूमेरिकल आया था। तो चलिए हम पहला पार्ट करते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, पार्ट्स प्रति मिलियन, बोले तो पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। अब मेरी बात एक ध्यान से समझिए बेटा, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो चाहे फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो, आपको न्यूमेरिकल जब ही समझ में आएंगे जब आपको जो उसने पूछा है उसका सूत्र, उसका फॉर्मूला पता हो। भाई यहां आपको उसने पीपीएम के बारे में पूछा, मोल अंश के बारे में पूछा, अगर द्रव्यमान प्रतिशतता का भी निकालनी है और मोललता भी, तो अगर आपको इनके फॉर्मूले नहीं पता है, इनके सूत्र नहीं पता है, तो आप कैसे कर पाओगे न्यूमेरिकल को? इसी तरह से फिजिक्स के हैं, तो आप जो भी चैप्टर आपका न्यूमेरिकल का है, सबसे पहले आप उसके फॉर्मूलों को एक जगह लिखिए, उन्हें याद करिए, फिर जो आपके न्यूमेरिकल में वैल्यू दे रखी है उन्हें रखिए। आपको फॉर्मूले के अंदर बस उन वैल्यू को रखना है और आंसर प्राप्त करना है। इतने सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं। देखिए हम यही करेंगे और यही करते आए हैं। चलिए फिर फर्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, पीपीएम की सांद्रता ज्ञात कर रहे हैं। अब देखो पीपीएम की सांद्रता को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए जो आपका विल, पहले समझ लो। अच्छा देखो भाई, ये समझ लो 2.5 ग्राम कौन है, ये CH3COOH, इसका जो सामान्य नाम होता है, कॉमन नेम होता है, वो होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बोले तो एसिटिक एसिड, और जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड। तो 2.5 ग्राम को आप 75 ग्राम बेंजीन में घोल रहे हो, इतने को इतने में घोल रहे हो, तो जो घुल रहा है वो विलेय और जो घोल रहा है वो विलायक, तो विलेय और विलायक, बस ये विलेय है और ये विलायक है, ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। चलिए, तो पीपीएम में सांद्रता के लिए फॉर्मूला होता है कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में और विलयन का द्रव्यमान ग्राम में और गुणा 10^6, बस सोल्व। तो अब ये वैल्यू आप इसमें देखिए और इसके अंदर रखिए और आंसर को प्राप्त कीजिए। तो बेटा मेरे कहने का मतलब यही है कि आप सबसे पहले फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले याद करो, उनके सूत्र याद करो। चलिए, विलेय कौन है हमारा, सर एसिटिक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, उसका द्रव्यमान हमें 2.5 ग्राम दे रखा है। अब इसका हम मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, तो इसका मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए इसमें जो परमाणु दे रखे हैं उनका परमाणु भार बोले तो एटोमिक वेट, या परमाणु द्रव्यमान बोले तो एटोमिक मास रखिए और इसका मोलर द्रव्यमान या अणु भार आ जाएगा, मोलिक्यूलर वेट, सही अणु भार। चलिए, अब देखो कार्बन का होता है सर 12, मैंने लिख दिया। हाइड्रोजन का होता है लगभग 1, वो कितने परमाणु है, 3, गुणा 3 कर दिए। कार्बन कितना होता है सर 12, मैंने रख दिया। ऑक्सीजन का 16 सर रख दिया, फिर ऑक्सीजन फिर 16 और फिर हाइड्रोजन का 1, इसका परमाणु भार रखा, इनके परमाणु भार रखे, आपका आ गया 60 ग्राम पर मोल, जो इसका मोलर द्रव्यमान या इसका अणु भार होगा। चलिए, अब विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, सर हम एक रिलेशन जानते हैं, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। देखिए आपका विलेय यह है, इसका द्रव्यमान इतना,
आपका विलायक यह है, इसका द्रव्यमान इतना, दोनों को रखा जोड़ा तो 77.5 ग्राम आपको विलयन का द्रव्यमान प्राप्त हो गया। अब मुझे बताओ इस फॉर्मूले के लिए चाहिए था वो मिल गया? सर मिल गया। द्रव्यमान सर हैगा इसका, सर ये भी है, गुणा कर देंगे बस। चलिए फिर समझ रहे हो मेरे भाई, तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से अपनी फिगर बनाइए बेटे। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल भी चल रहे हैं आपके, और आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी चल रहे हैं। चलिए अब वैल्यू रखेंगे हम। जी सर 2.5, जी सर 77.5 आगा, और गुणा कर दोगे 10^6। चलिए सोल्व करें। देखो इस पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 25 + 75 हो गए, सही, दो बचे यहां पर, और ये हो गए फिर 25, तो 25 × 25 मतलब यहां पर आ जाएगा 1/31 गुणा 10^6। अब देखिए जब मैं इसको भाग करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 0.032। यार पसीना आ रहा है ना, तो इससे ये लिख नहीं पा रहा, रुक जाओ मिनट, एक मिनट रुको, कुछ सेकंड रुक जाओ यार, मिनट तो बहुत होता है। बराबर कितना हो गया 0. गर्मी हो रही है, ओ पसीना टपक रहा भाई, 0 और कितना आएगा 8 है नहीं, नो सॉरी ये आ रहा है यहां पर। आप भी देखो कैलकुलेशन कर लेना बेटा, वैसे मैं यहां पे कैलकुलेशन लिख लेता हूं, फिर भी आप कैलकुलेशन खुद से करके देखना। अब तुम इसे आगे खुद बढ़ाओ, मेरा आंसर इतना आ गया, आगे खुद करिए। क्या करोगे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पर 6 डिजिट है, ये हटाओगे 0 हट जाएगा, ये हट जाएगा आंसर आ जाएगा। अरे यार मैं ही कर दूं, आ जाएगा आपका इतना ppm, सही, चाहे ऐसे रहने दो ऊपर, हाँ जब भी सही। अरे भाई लिख दिया, क्या आ जाएगा ppm। तो देखो आपका फर्स्ट पार्ट तो हो गया सोल्व, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही, हाँ हट जाएगा। चलिए ये आपका आंसर आ गया, बोलो जल्दी नोट करो फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट। सेकंड पार्ट में हमें मोल अंश की गणना करनी है, तो मोल अंश के लिए क्या चाहिए? देखो यहां पर आपका विलेय है और विलायक है, एसिटिक अम्ल आपका विलेय है और बेंजीन कौन है आपका विलायक है, तो हमें विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या चाहिए। जब भी हम एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल का मोल प्रभाज कैलकुलेट कर सकते हैं और बेंजीन का भी, तो पहला काम विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या को कैलकुलेट करना। चलिए करते हैं। देखो भाई हमें एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या निकालने के लिए एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान हमें पता है और एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान वो भी हमें पता है, क्लियर? तो हमने क्या करा भाई, देखो इसका द्रव्यमान 2.5 था रख दिया, इसका मोलर द्रव्यमान कितना था 60 था रख दिया, जब इससे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 0.042 मोल, क्लियर? तो एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या तो आ गई इतनी। चलिए अब जो आपका विलायक है कौन है, बेंजीन, तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना दे रखा है 75 ग्राम हमने लिख दिया। अब हमें बेंजीन का मोलर द्रव्यमान भी चाहिए, क्योंकि मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान की जरूरत होती है, भार बटे अणुभार या द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान की जरूरत होती है मोलों की संख्या को निकालने के लिए। तो हमने इसका द्रव्यमान निकाल लिया, यहां से इसका मोलर द्रव्यमान भी निकाल लिया। अब इसके मोल की संख्या निकालने के लिए देखो द्रव्यमान ये आ गया और मोलर द्रव्यमान ये आ गया, भाग करो कितना आएगा, लगभग इतना आ जाएगा 0.0962, इसे कितना आया था लगभग 0.042 मोल। यहां मोल लिखना चाहो मोल लिख सकते हो, नहीं तो मत लिखो, सही है बेटा। राउंडिंग ऑफ आपसे आना चाहिए इन कैलकुलेशन के लिए, आपको राउंडिंग ऑफ भी आना चाहिए और आपको साइंटिफिक नोटेशन भी आना चाहिए। अगर आपसे नहीं आता तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आगे दोनों चीजें जरूर सीख लें। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपसे आना चाहिए चीजें, कैलकुलेशन आनी चाहिए, ये भी चीज आनी चाहिए जो कक्षा 11 में है। चलिए अब आपको जो जो चीजें चाहिए थी मोल अंश के लिए वो मिल गई, तो अब आप अपने एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल का मोल प्रभाज निकाल दो, सही है। ये बनाते हैं काई और लिखते हैं यहां पर एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज, इसका मतलब है एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज बराबर एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या अपॉन एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या प्लस बेंजीन विलायक के मोलों की संख्या। रखो इसके मोलों की संख्या बहुत ध्यान से 0.042 अपॉन 0.042 प्लस इसके 0.962
कितना बनेगा 0.042 अपॉन, बेटा कैलकुलेशन ना खुद से भी करके देखो, कभी कभी ऐसा होता है मुझसे भी गलत हो सकती है कैलकुलेशन, वैसे मैंने बहुत ध्यान से बनाई है, बहुत ध्यान से करी कैलकुलेशन, क्योंकि मैं भी इंसान, गलतियां हो जाती हैं, कंसेप्ट में कोई गलती नहीं होगी, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं होगी, बस यहां हो सकता ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं है गलती इसमें, बेटा आप किसी के भरोसे मत रहिए, आप खुद से भी कैलकुलेशन करके देखा करें सही, और राउंडिंग ऑफ का जरूर ज्ञान होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने उसी के आधार पर यहां वैल्यू रखी है, भाग करोगे से कितना आ जाएगा 0.0418 सही है, इतना आपको प्राप्त हुआ किसका, एसिटिक अम्ल का मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इस पर हमने आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी करा दिए और जो आपसे बोर्ड में पूछे गए थे ना 2011 से लेकर 2024 तक वो भी करा दिए, इसी प्लेलिस्ट का तो न्यूमेरिकल है ये, उसी प्लेलिस्ट का न्यूमेरिकल है ये, जाकर आप देखिए चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। चलिए ये निकल के आप देखो बेंजीन, ये पूछा नहीं है हमसे बेंजीन वाला, फिर भी निकाल दो। तो बेंजीन का मोल प्रभाज निकालने के दो तरीके, जैसे ये करा ऐसे कर लो या भैया ऐसे कर लो सही है, मेरा बहुत डिटेल में आपको हर वीडियो समझाइए, मैं बेटे 5-6 मिनट में वीडियो बना सकता हूं, मगर मैंने वो 10-10 मिनट में वीडियो बनाई है तो कुछ समझाया नहीं, समझाया आपको कुछ समझाया वहां पर मैंने आपको समझ, इस ये वीडियो अगर मैं नहीं लिखता तो बहुत लंबी पहुंच जाती, इसलिए मैंने इसमें लिख दी कुछ वैल्यूज ताकि ये वीडियो हो थोड़ी लंबी ना हो। चलो इसे घटा लो इसमें से 0.9582 सही है, ये आ जाता है आपका बेंजीन का मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। चलिए नोट करो जल्दी से इसे भी, चलिए कर लिया नोट। चलिए फिर अब हम कैलकुलेट करते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता, बोले तो डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू परसेंटेज। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। इस पर हमने न्यूमेरिकल भी करें, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी करें, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए वो न्यूमेरिकल भी करें, पता है हमें फॉर्मूला। अब देखो विलय का द्रव्यमान एसिटिक एसिड, बोले तो एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान इतना था, विलयन का द्रव्यमान अभी हमने कैलकुलेट करा कितना है, इतना है, बोलो इसे भाग करोगे इतना आएगा, 100 को 31 से भाग करो जरा, इतना आंसर बन जाएगा। तो ये आगे आपका क्या द्रव्यमान प्रतिशत था, सिंपल फॉर्मूला याद तो वैल्यू खुद बहुत आगे निकल गए। मोल अलता के लिए क्या चाहिए, सर विलय के मोलों की संख्या चाहिए बटे विलायक का द्रव्यमान, अगर ग्राम में है तो 1000 लिखिए, अगर किलोग्राम में होता तो यहां 1000 लिखने की जरूरत नहीं थी। अब बताओ आपको विलय बोले तो एसिटिक अम्ल कौन है आपका विलय, एसिटिक अम्ल तो है एथेनोइक अम्ल CH3COOH, यही तो विलय है और इसके मोलों की संख्या हमने निकाली है अभी पीछे, सर इतनी आ गई। विलायक कौन है, सर हमारा बेंजीन है C6H6, तो इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है 75 ग्राम, हम लिख दिया 75 ग्राम में था तो 1000 लिख दिया। ये पॉइंट हटाने के लिए ये तीन जोरों का बलिदान हो जाएगा, ऊपर बचा क्या 42/75, भाग करोगे आंसर ये आ जाएगा, मोललता बराबर 0.056 मोल पर किलोग्राम जिसका मात्रक होता है, इसके स्थान पर चाहो तो स्मॉल एम भी लिख सकते हो क्योंकि हम मोललता को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो बताइए ये थे आपके चार पार्ट जो इसमें पूछे थे 5 नंबर में 2020 में, और चारों के चारों पार्ट को हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बेटा मैं फिर यही कहूंगा, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल में जाइए, आप वहां पर जो प्लेलिस्ट वाला पोर्शन है ना वहां जाकर आप खुद देखिए कि आपको कितने शानदार न्यूमेरिकल मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपकी एनसीईआरटी से भी हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक समीकरण है, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, जो पूछता है सब करा रखी है, जो आपकी नेम रिएक्शन पूछता है वो भी सब करा रखी है। जाकर आप एक बार देखिए, तो प्लेलिस्ट जाकर देखिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ा रखा है। तो ये न्यूमेरिकल तो बेटा आपका अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।